Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see import and export in React.js. जी हाँ guys, तो ये export and then import ये जो concept है ये बहुत ही ज्यादा important है, ठीक है। तो उससे पहले guys, अभी तक अगर आपने मेरे बाकी की videos को checkout नहीं किया तो playlist का link मैं आपको नीचे description and comment section में provide करा दूंगा, जरूर checkout कीजिएगा। And मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि guys, हमारे सारे video एक दूसरे से connected है, अगर आप कोई भी एक जगह पे miss कर दे तो guys आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सभी को एकदम आराम से देखिए एकदम अच्छे तरीके से। एंड अभी तक आपको ये तो मालूम है कि हमने इतना कुछ कर लिया है, जहां पे हमने बहुत कुछ देख लिया, डायनेमिक वैल्यू, कंडीशनल वैल्यू, जेएसएक्स कंपोनेंट्स, बहुत कुछ हम कुछ आई मीन बहुत कुछ हम देख चुके। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले इंपोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट्स। तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, वी हैव दिस इंपोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट्स इन रिएक्ट.js। तो गाइस, करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन जिसमें से तीन एकदम इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एंड देन इंपोर्ट। क्या होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एंड देन इंपोर्ट, मैं आपको बताऊंगा। Then we have this named export and then import. तो ये named जो export and import होता है वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। And then we have this mixed export and then import. तो कहीं ना कहीं I hope आपको एक idea आ चुका है। And if you already familiar with your ECMAScript script या Node.js, वहाँ पे भी import and export आपको मालूम था, right? Alright. So मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने VS Code editor पे। And मैं आशा करता हूँ आप भी मुझे follow करो। And आपका भी जो page है फिलहाल app.jsx कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सोर्स कोड मैं ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टारगेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिएगा, ठीक है। तो देख सकते हो आप फिलहाल अभी क्या हो रहा है गाइस, हम सबको मालूम है दैट रिएक्ट इज ऑल अबाउट योर कंपोनेंट्स, बट इन आवर केस गाइस सारे के सारे डेटा हमारे app.jsx के अंदर है। मुझे इसको एक सुंदर एंड ब्यूटिफुल दिखाना है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इनको अलग अलग फाइल्स पे ले जाना है एंड तभी तो कंपोनेंट्स वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा ना। नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर वेरी फर्स्ट कंपोनेंट्स। तो उसके लिए सोर्स फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सेकेंड। सो गाइस, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, वी हैव दिस मच पार्ट इन VS Code Editor, जिसमें से ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पर्टिकुलर, ये है आपका गाइस फोल्डर के लिए। तो अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपका एक फोल्डर बन जाएगा। एंड यहाँ आए यू नीड टू राइट कम्पो एन ई एन टी एंड देन एस, लिखते ही बाय डिफॉल्ट आइकन चेंज हो जाता है क्योंकि बीट को मालूम है कि कंपोनेंट्स की क्या वैल्यू है। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि आपको इस तरीके से कंपोनेंट्स बना लिखना है। एंड देन अगेन इस पे जाके वापस, या तो आप देखो राइट क्लिक न्यू फाइल कर सकते हो एंड शॉर्टकट्स भी है, एल्स आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके आप फाइल का नाम बना दीजिए। लेट्स से वी हैव दिस नेटफ्लिक्स सीरीज, इसको कॉपी करता हूँ, है ना, यहाँ पे न्यू फाइल पेस्ट एंड देन यू नीड टू राइट JSX as an extension. This is it. So now, अब मुझे क्या चाहिए कि ये जो कुछ भी आपको app.jsx के अंदर दिख रहा था, मुझे इसको एक सेपरेट फाइल पे बेसिकली सेपरेट कंपोनेंट बनाना है एंड देन उस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहूंगा। सो इस तरीके से हमारा इंपोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट काम करता है। सो मैं ऊपर तक चलता हूँ एंड जहां भी मेरा ये है, मैंने कंप्लीटली इसको हटा दिया, ठीक है। मैं चल रहा हूँ मेरे इस जगह पे एंड देन मैं पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज इट, मैंने इसको कर दी यहाँ पे पेस्ट एंड मुझे जैसे कि ये दिखाई दे रहा है इसको भी मैं कर लेता हूँ कॉपी। ये जो पर्टिकुलर पार्ट को मेरा जो सोर्स डॉट एम डी है वहां पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो सोर्स डॉट एम डी फाइल भी शेयर कर दूंगा जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे एंड आज का यहाँ पे जो है वो भी है। सो सबसे पहले गाइस व्हाट वी विल लुक इन टू आवर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एंड चीजें जो आपको ध्यान में रखना, दैट इज अ फाइल कैन हैव ओनली वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नो मैटर वट। आपका एक फाइल में सिर्फ एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट आप रख सकते हो। एंड इंपोर्ट करने का तरीका तो सिंपल है, कोई नहीं मैं आपको बता ही देता प्रैक्टिकल करके। देखो अभी ये जो पार्ट है, अब मेरा ये जो नेटफ्लिक्स सीरीज ये कंपोनेंट है, राइट, जो कि एक जेएसएक्स को रिटर्न करता है। सिंपल ना, एक कंपोनेंट इज अ फंक्शन विच रिटर्न योर जेएसएक्स, ये हमने पढ़ चुका है। अब app.jsx के अंदर मुझे उसको यूज करना है, ठीक है, लेकिन मैं कैसे यूज करूँ बताओ इसको। अब मैं सारे कमेंट्स हटा रहा हूँ, मैं कैसे इसको यूज करूं क्योंकि ये तो एक अलग फाइल में है एंड app.jsx मेरा एक अलग फाइल है। तो अब मैं ये जो फंक्शन है बेसिकली ये जो कंपोनेंट है app.jsx के अंदर कैसे मैं यूज करूं, तो उसी के लिए ही वी हैव अ इंपोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट। आपने देखा होगा गाइस जितने भी बंदरगाह या आपके विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा है जहां पे बहुत सारे सामान इंडिया से हम एक्सपोर्ट करते हैं या बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, समझ रहे, देना एंड देन लेना, आप ये समझ लीजिए। फिलहाल ये जो कंपोनेंट है मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है ताकि app.jsx फाइल उसको इंपोर्ट कर सके, ले सके। तो उसके लिए देखो सबसे पहले वो है बट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, जहां पे क्या करना होता है आप ध्यान से देखिएगा। वी नीड टू राइट एक्सपोर्ट, देन वी नीड टू राइट दिस कीवर्ड कॉल्ड डिफॉल्ट एंड देन आपका जो भी फाइल का नाम है, हालांकि आप कुछ भी नाम तब भी यहाँ पे लिख सकते हो,
बट आपने मेक श्योर करो कि फॉर द बेस्ट जो आपका फाइल का बेसिकली कंपोनेंट का नाम है या फंक्शन का जो भी नाम है आपका, वो आप यहाँ पे लिख के पेस्ट कर दीजिए, दिस इज इट। तो अब ये जो आपने कंपोनेंट क्रिएट की थी, अब इसको कोई भी कभी भी इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसको एक परमिशन दे दी है, हाँ भाई मैंने अपने आपको एक्सपोर्ट कर लिया, कोई भी आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो, कोई भी आप मुझे यूज कर सकते हो। तो इसको मैंने कॉपी की, मैं यहाँ पे आता हूँ टॉपिक। देखो एक रिएक्ट में एक सिंपल तरीका, अगर यहाँ पे आप एंटर हिट करोगे तो बाय डिफॉल्ट देखो एड इम्पोर्ट आ जाता है ऑप्शन, बट अभी फिलहाल उसको रहने देते, मैं आपको बताता हूँ। सो वी नीड टू राइट इम्पोर्ट, देन अब यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना है, कहाँ से, फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, तो कर्ली ब्रेसेस डॉट फॉरवर्ड स्लैश देख लीजिए, वी हैव अ कंपोनेंट्स फॉरवर्ड स्लैश वी हैव अ नेटफ्लिक्स सीरीज, बस इतना आपको लिखना था। कंट्रोल एस एफ कीजिए, आप यहाँ पे आइए, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम है। तो गाइस ये था आपका डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एंड देन इम्पोर्ट। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी, जैसे जब भी गाइस आप डिफॉल्ट इम्पोर्ट करते हो, देन व्हेन इम्पोर्टिंग अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यू कैन नेम द इम्पोर्ट वॉट एवर यू लाइक, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक ये हमारा एक कंपोनेंट है जिसको हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया एंड नाम हमारा ये था, बट जब आप उसको जब आप उसको इम्पोर्ट कर रहे हो किसी भी दूसरे फाइल्स में, आपने उसको एक टैग दे रखा है कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, इट मीन्स कि ये जो नाम है ना यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते थे। इस तरीके से अगर आप थापा सीरीज भी कर देते हो गाइस तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक सेकेंड देखिए, मैं कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ, हालांकि करने की नीड नहीं है, फास्ट रिफ्रेश ऑलरेडी है यहाँ पे, बट ये आपका काम करता है। इट मीन्स कि जब भी आप इस तरीके से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करते हो देन वो जो नाम है वही हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है, यू कैन राइट एनीथिंग, बट द थिंग इज कि गाइस अगर आप इस तरीके से कुछ भी नाम दे दोगे फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, जब आप कंफ्यूज हो जाओगे यार नेटफ्लिक्स सीरीज में ये थापा सीरीज क्या कर रहा है, ये कौन सा फाइल है, ये ये कौन सा कंपोनेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो वैसा कोई कंपोनेंट का नाम है नहीं, एंड लेट्स अज्यूम कि आपने यहाँ पे कम से कम 40-50 बना दिए, तब मुश्किल हो सकता है। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिसेस यही रहेगा कि जो फाइल का नाम है आप वही लिखिए, ताकि आपको ईजी हो समझने में कि आपने किसको इम्पोर्ट की एंड आप उसको क्यों यूज कर रहे हो। सो या गाइस ये था आपके डिफॉल्ट इम्पोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट। नाउ सेकंड वी हैव अ नेम्ड एक्सपोर्ट एंड देन इम्पोर्ट। अब क्या होता है मैं बताता हूँ, हम सेम का ही एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे मैं चलता हूँ। सो ये जो तरीका है जहाँ पे एक्सपोर्ट आप कर रहे हो एक कंपोनेंट को यूजिंग अ डिफॉल्ट मैनर, तो ये आपको बहुत सिंपल सिंटेक्स है। जब आपको नेम्ड एक्सपोर्ट करना हो तो नेम्ड हमारे पास ऑलरेडी है कंपोनेंट का, सो नाउ व्हाट वी नीड टू एक्स्ट्रा ऐड इज लाइक सिंपल एक एक्सपोर्ट कीवर्ड। सो एक्सपोर्ट ये बाय डिफॉल्ट सब कुछ है, सो नाउ दिस बिकम योर नेम्ड एक्सपोर्ट, कि अब इसको कोई भी एक्सपोर्ट कर सकता है, बट द थिंग इज कि इसको एक्सपोर्ट करने का तरीका डिफरेंट है। लाइक करना तो यही है, इम्पोर्ट फाइल का नाम फ्रॉम किस कंपोनेंट से या कंपोनेंट का नाम, बट अब जब आप इसका यूज करते हो इन अ नेम्ड एक्सपोर्ट मैनर, देन गाइस आपको इसको जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन इट्स कंपलसरी, विदाउट कर्ली ब्रेसेस आपका काम नहीं करेगा। एक सेकेंड मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक बार रिफ्रेश करूंगा, ये काम नहीं करेगा, एंड लेट्स सी व्हाट एरर वी आर गेटिंग। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि ये जो रिक्वेस्टेड मॉड्यूल है डज नॉट प्रोवाइड, ये देखो डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट, मतलब विदाउट कर्ली ब्रेसेस अगर आप यूज कर रहे हो तो वो ये एज्यूम कर रहा है कि वो एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, बट हमने डिफॉल्ट कीवर्ड तो दिया ही नहीं, हम तो नेम्ड एक्सपोर्ट कर रहे, तो ये कंफ्यूज हो रहा है। तो हमें क्या बोलना है कि भाई ये डिफॉल्ट नहीं है, ये नेम्ड है विद द हेल्प ऑफ दिस कर्ली ब्रेसेस, तो अब हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट की तरह पास कर रहे हैं, एंड अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस ये मुझे मेरा डेटा आ गया। अब यहाँ पे एक चीज जो है जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज डिफॉल्ट में हम नाम चेंज कर सकते थे, बट अब हम क्या कर रहे हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट, नाम ही है ना इंपॉर्टेंट, नाम है। अगर मेरा नाम विनोद है, अगर आप मुझे विनोद बोलोगे तो ही मैं आपको आंसर दूंगा, आप मुझे किसी और नाम से बुलाओगे तो मैं शायद पीछे मुड़के भी ना देखूं, क्योंकि मेरा नाम नहीं है। उसी तरीके से जब आप नेम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हो देन यूर नेम्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर गलती से यहाँ पे आपने एक एक्स्ट्रा एस भी लिख दिया है ना, एंड चलो ठीक है आप हर जगह इसको ऐड कर भी रहे हो इस तरीके से, तो भी ये आपका काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम्ड, ये देखो ना पहले डिफॉल्ट वाला कुछ था, अब डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम्ड नेटफ्लिक्स सीरीज, मतलब उनको ये नाम मिल ही नहीं रहा है कि क्या है। तो इसलिए जब आप नेम्ड एक्सपोर्ट यूज करते हो तो आप कुछ भी नाम नहीं लिख सकते, आपको वही नाम लिखना होगा। नाउ इसमें भी एक चीज है जो आप ध्यान में रख सकते हो, एंड देयर इज वन एडवांटेज, एंड दैट इज ए फाइल कैन हैव मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट, व्हेन इंपोर्टिंग नेम्ड एक्सपोर्ट द इम्पोर्ट नेम्स मस्ट मैच द एक्सपोर्ट्स नेम एग्जैक्टली। ये मैंने आपको अभी बताया कि एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, बट द ब्यूटी इज ये वाला पार्ट,
कि नाउ ए फाइल कैन हैव मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट। इसका क्या फायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। बहुत बार हेडर एंड फुटर आप एक सेपरेट पेज बनाते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई हेडर, लेट्स एज्यूम दिस इज माई हेडर जिसको मैंने एक्सपोर्ट की हुई है। मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, वट आई विल डू इज मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट, लेट्स गो विथ फुटर। ठीक है, मैंने क्या करी यहाँ पे, फुटर करके बनाया जिसमें वी नीड टू गो विथ रिटर्न एंड एक पैराग्राफ दे देता हूँ जो कि होगा सिंपल सा कॉपी राइट, कुछ आप लिख सकते हो @thapa_technical। ठीक है, ठीक है, चलो सब कुछ सही है। अभी इसको भी मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इस तरीके से, सो वी कैन एक्सपोर्ट मल्टीपल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने देखो ना, ये हम एक ही कंपोनेंट फाइल के अंदर है, तो बेसिकली मैंने एक कंपोनेंट के अंदर दो कंपोनेंट बना दिए, एक है फूटर, दूसरा है आपका नेटफ्लिक्स सीरीज, एंड दोनों को मैंने एक्सपोर्ट नेम तरीके से किया हुआ है। अब मुझे ये भी तो चाहिए, मुझे ये भी तो यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, सो व्हाट आई कैन डू इज मैं कॉमा दे दूंगा यहाँ पे, एंड देखो मैं फूटर ऐड कर दूंगा। तो मैं इस तरीके से ये जो नेम्ड एक्सपोर्ट है उसको बहुत इजीली गेट कर सकता हूँ, एंड ये जो फूटर है इसको मैं कॉपी करूंगा, एंड एट द एंड में मैं डायरेक्ट ऐसे तो दिखा नहीं सकता, एंड ऐसे में दिखा दूंगा। तो आप देखो कितनी इजीली मैं ये चीज कर सकता हूँ। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा फिलहाल, एंड एट द एंड में अगर मैं आपको दिखाऊंगा, सो आप देख सकते हो एट द एंड में मुझे ये एक डेटा भी आ रहा है, कॉपीराइट @thapatechnical। तो ये एडवांटेज है नेम्ड एक्सपोर्ट का कि जहां पे आप बहुत इजीली, ये एक तो ये मेक श्योर करा कि जो कंपोनेंट आपने बनाई वही नाम एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, एंड आप मल्टीपल इस तरीके से गेट कर सकते हो बाय यूजिंग अ कर्ली ब्रेसेस। जैसे जावास्क्रिप्ट की दुनिया में एंटर करने के लिए भी वी हैव अ कर्ली ब्रेसेस, हियर ऑल्सो वी हैव अ कर्ली ब्रेसेस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है लगता है इसका, राइट? सो या ये था आपका दूसरा तरीका। नाउ तीसरा तरीका इज कंबाइंड इंपोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल, हमने याद है फर्स्ट टाइम ये जो हमारा नेटफ्लिक्स सीरीज था इसको मैंने डिफॉल्ट तरीके से एक्सपोर्ट की थी। लेट्स गो विद अगेन द डिफॉल्ट पार्ट, एंड टॉप वाला जो एक्सपोर्ट है उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, सो अब ये जो मेरा नेटफ्लिक्स सीरीज है इसको मैं किस तरीके से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, बाई यूजिंग अ डिफॉल्ट बिहेवियर, एंड जो मेरे पास फूटर है उसको मैं एक नेम्ड एक्सपोर्ट की तरह कर रहा हूँ। सो ये टोटली डिफरेंट है, ये टोटली डिफरेंट है, एंड ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू मैं कर सकता था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक ही फाइल के अंदर मैंने दो दो कंपोनेंट बना दी, एंड एक को डिफॉल्ट करके पास कर रहा हूँ एंड दूसरे को मैं एक्सटेंड करके। क्यों? क्योंकि एक फाइल में सिर्फ एक ही डिफॉल्ट आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं हेडर, ठीक है, एंड मैंने ये इसलिए बनाया क्योंकि आप मल्टीपल एक्सपोर्ट नेम्ड एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन डिफॉल्ट वाला सिर्फ आपका एक रहेगा। सो नाउ एक फाइल के अंदर तीन कंपोनेंट है जिसमें से आप डिफॉल्ट एक ही बना सकते हो, तो मैंने एक डिफॉल्ट बना दी, बाकी दोनों को मैंने नेम्ड एक्सपोर्ट कर दिया। सो अब मुझे हेडर भी लगेगा, तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, आई विल गो विथ दिस हेडर, एंड ये जो हेडर है कॉपी करके मैं यहाँ पे इस तरीके से हेडर लिख के पास कर दूंगा। एंड मैंने आपको एक चीज बहुत क्लियरली बताया था, वी हैव रिएक्ट फ्रेगमेंट विद अस, नाउ वी डोंट नीड दिस एक्स्ट्रा डी फालतू का, उसको भी मैंने हटा दी। सो वी हैव दिस हेडर, वी हैव दिस पार्ट, एंड देन वी हैव दिस फूटर, तीनों हम एक ही फाइल से ले रहे हैं, एंड हालांकि इसको भी हम अलग अलग करेंगे, फूटर का एक अलग कंपोनेंट, हेडर का एक अलग कंपोनेंट, बट फॉर द टाइम बीइंग नाउ मुझे दिखाना कि आप कंबाइंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो, जहां पे एक ही फाइल में एक तरीके से तो आप डिफॉल्ट वाला भी पास कर रहे हो एंड नेम्ड वाला भी कर रहे हो। तो अब एक चीज ध्यान में रखना, सब कुछ सेट है, मैं अगर यहां चलता हूं एंड रिफ्रेश करता हूं तो ये मेरा काम नहीं करेगा, बिकॉज द रिक्वेस्टेड मॉडल जो है डज नॉट प्रोवाइड अ नेम्ड एक्सपोर्ट। ये देखा, यही एक चीज है जो आपको एकदम ध्यान में रखना है। जब मैंने नेम्ड एक्सपोर्ट को इंपोर्ट करना चाहा था विदाउट कर्ली ब्रेसेस, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे डिफॉल्ट कीवर्ड नहीं है, बट अब अगर मैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंपोर्ट करना चाहूं तो ये बोल रहा है कि ये एक नेम्ड एक्सपोर्ट नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप डिफॉल्ट लिखते हो, अगर आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, देन वो जो भी कंपोनेंट को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो आप उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं लिख सकते, तो आप उसको कर्ली ब्रेसेस के बाहर लिख के कॉमा दे दीजिए, एंड जितने भी अब आपके नेम्ड एक्सपोर्ट है आप उसको इस तरीके से इंपोर्ट कर लीजिए। सो ये तो रहा आपका डिफॉल्ट, एंड डिफॉल्ट को मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। तो अब आप समझ गए, अगर आपके केस में इंटरव्यू वाले कभी भी आपसे इस तरीके से पूछे ये क्या हो रहा है, इसमें से डिफॉल्ट कौन सा, नेम्ड कौन सा, आपके लिए बोल सकते हो दिस वन इज योर डिफॉल्ट, क्योंकि डिफॉल्ट को आप कर्ली ब्रेसेस में नहीं रख सकते, एंड जो नेम्ड है उसको आप विदाउट कर्ली ब्रेसेस लिख नहीं सकते। सो ये है आपका कंबाइंड, जहां पे एक तरीके से तो आप कंबाइंडली एक्सपोर्ट कर सकते हो डिफरेंट तरीके से, एंड इंपोर्ट भी आप कंबाइंड कर सकते हो डिफॉल्ट वाले को भी एंड नेम्ड वाले को भी। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि ये जो पार्ट है आपका फूटर एंड ये है ना, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे,
एंड इसको आप डायरेक्टली फ्रॉम आपका ये जो डॉट कंपोनेंट्स फॉरवर्ड इस तरीके से समझ रहे हो, इधर यू कैन गो विथ दिस वे है ना। बट ये दोनों अलग अलग क्यों करना, दो लाइन का कोड मुझे नहीं चाहिए ना, मैं तो खुश हूँ अपने एक लाइन में ही, क्योंकि हमें मालूम है कि मैं कंबाइंड तरीके से इनको बहुत इजीली इंपोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। कॉमा इधर लगेगा इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, आप देखोगे कि मेरा ये जो है परफेक्टली वर्क कर रहा। सो या गाइस, दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड बिलीव मी, मैंने कहा था ना ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिएक्ट इज ऑल अबाउट योर कंपोनेंट्स। एंड इस तरीके से कंपोनेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे अलग अलग फाइल्स पे अगर आप क्रिएट कर रहे हो, देन आप उसको कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, एंड जहां आपको उसकी नीड है वहां पे आप उसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब कल की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि फिलहाल तो हमें सिर्फ एक ही डेटा दिखाई दे रहा है, बट वॉट इफ यू वॉन्ट मल्टीपल डेटास, तो लूपिंग एंड ऑल वो हम कल की वीडियो में देखेंगे, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला। बिलीव मी गाइस, ये जो सीरीज है ना हम बहुत प्यार से आराम से जा रहे, ताकि ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में जाए एंड आपको एट द एंड में यू नो पहुंचते आ रहे यार मैंने क्या पढ़ा था, ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ एवरीडे हम जो भी पढ़े आप उसको बस उसी पे ही फोकस कीजिए और डेप्थ में जाने की कोशिश की डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से कि और हम उसमें क्या कर सकते हैं। एंड डाउट आता है तो कमेंट करके बताइए, मैं हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। मैं चाहूंगा ये प्लेलिस्ट को प्लीज इंस्टाग्राम, आपका जो ट्विटर, लिंक्डइन, जहां भी वो आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप रील्स बना के शेयर कर सकते हो, मुझे टैग कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। नेक्स्ट टारगेट इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर एंड मैं नहीं चाहता ऐसे ऑसम वीडियोस आप मिस करें। तो गाइस, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन एंड वीडियोस अपलोड करने में बहुत हेल्प होती है। तो यार मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।